विहान अपने माता पिता शोभा और जयदीप के साथ शिमला घूमने गया था। रात में वो तीनों वॉक करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकले और तभी एक सुनसान सड़क पर उन्हें एक मोमोज बेचने वाली लड़की दिखाई दी। वाह वाह वाह, आज हमने मॉल रोड पर जैसे मोमोज खाए थे ठीक वैसे ही लग रहे हैं ये। ओफो विहान के पापा, अरे अभी अभी तो इतना ठूसा है हमने और आपको अब मोमोज खाने हैं। खाने दो माँ, शिमला जैसे मोमोज बार बार कहाँ मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा बेटे, ये शोभा तो है ही पागल। क्या? अब आप दोनों यहाँ रास्ते पे शुरू मत हो जाइए, चलिए। वो तीनों उस लड़की के मोमोज के स्टॉल के पास चले गए और उन्होंने मोमोज ऑर्डर किए। मेरे चिकन मोमोज में चटनी थोड़ी ज्यादा डालना। मुझे फ्राइड मोमोज दे दो और मेरी माँ को स्टीम्ड मोमोज। ठीक है साहब। उस मोमोज वाली ने उन तीनों को मोमोज बना के दिए और जैसे ही उन तीनों ने वो मोमोज खाए वो तीनों एकदम से बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। तभी मोमोज वाली अपने चुड़ैल अवतार में आ गई। अब मैं इन तीनों का खून भी जाऊंगी, क्योंकि जब जब मैं इंसानों का खून पीऊंगी तब तब मेरी शक्तियाँ बढ़ती ही जाएंगी। बेला उन तीनों का खून पी गई और उनकी लाशों को अपने साथ ले आए। ये सारा दृश्य दूर खड़े गूंगे आदमी ने देख लिया और वो घबरा गया। उसने फौरन पास के गांव वासियों को जाकर ये सब बताने की कोशिश की। क्या अबे वो गूंगे, जो बोला है ठीक से बोलना, बस आ आ ई ओ की रट लगा रखी है। एक काम करते हैं, इससे लिखवा कर पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी उस गूंगे आदमी ने कागज पर जो लिखा वो पढ़कर सभी की रूह कांप गई। क्या हमारे गांव में बेला मोमोज वाली एक चुड़ैल है? लेकिन ये कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये गूंगा पागल है, इसकी बातों पर विश्वास मत करो। हाँ भोला, तुम सही कह रहे हो, ये दिमागी रूप से ठीक नहीं है, इसलिए गांव में दर दर भटकता रहता है ये। अबे चुप हो जा और निकल यहाँ से, चल भाग। उन गांव वासियों ने उस गूंगे आदमी को वहाँ से भगा दिया। उस मोमोज वाली चुड़ैल के पास जो भी मोमोज खाने आता उसकी मृत्यु हो जाती। मेरे मोमोज में जहर होता है जिसे खाकर सब मर जाते हैं, और इंसानों का खून पीकर ही मेरे दिल को ठंडक पड़ती है, क्योंकि इन इंसानों ने ही मेरे साथ गलत किया था। कई सालों पहले मैंने एक अमीर जमींदार के साथ शादी से मना कर दिया, जिसके बाद उस जमींदार ने मुझे पूरे गांव के सामने जिंदा जला दिया और सब देखते ही रहे। किसी ने मेरी मदद नहीं की, मुझ पर तरस नहीं खाया, इसलिए मैं भी किसी पर तरस नहीं खाऊंगी, सब मरेंगे। अगली रात वो दोनों गाँव वासी बेला के मोमोज खाने गए। अरे बेवकूफ है वो गूंगा, बेचारी कितनी मेहनती है ये बेला। और नहीं तो क्या, पूरे शिमला में सबसे बेहतरीन मोमोज बनाती है, वो भी हर प्रकार के। आहा, इतनी खून जमाने वाली ठंड में ये गर्मा गर्म मोमोज खाकर तो मजा ही आ जाएगा, चलो खाना शुरू करते हैं। हाँ भाई जल्दी से। तभी अचानक से वहाँ पर वो गूंगा आदमी आ गया और उसने फौरन बेला पर गंगा जल छिड़का, जिसके बाद उसका असली चुड़ैल रूप उन सबको दिख गया। वो दर्द से करहाने लगी। नहीं, ये तूने अच्छा नहीं किया। गंगा जल के कारण बेला का शरीर बुरी तरह से जलने लगा और वो जलकर राख हो गई। उन दोनों गांव वासियों ने गूंगे आदमी से माफी मांगकर उसका धन्यवाद किया और उसे रहने की जगह भी दी।